जबलपुर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हमला हो रहा है। हाल ही में कल रात जबलपुर आधारताल क्षेत्र कमला भंडार खैरमाई फाटक के पास आदतन अपराधी गोलू उर्फ आदित्य रैकवार और उसके दोस्त द्वारा धारदार बके से न्यूज ऑब्जर्वर के पत्रकार अखिलेश सोनी पर जानलेवा हमला कर दिया गया, जिससे उसके सर में काफी चोटें आई हैं, टांके भी आए हैं। गोलू उर्फ आदित्य रैकवार एक आदतन अपराधी है और उसके ऊपर कई मामले पहले से भी दर्ज हैं। बताया जा रहा है पत्रकार अखिलेश सोनी के प्रॉपर्टी पर आदित्य रैकवार की बुआ ने कब्जा किया हुआ है, जिसका एसडीएम कोर्ट में बेदखली का केस लगा हुआ है और गवाही होने वाली है, जिससे आदित्य रैकवार ने पत्रकार को धमकाया, गाली गलौज दी और जान से मारने की धमकी भी कई बार दे चुका है। आज उसने अपने एक दोस्त आशीष शुक्ला के साथ फोन करके आधारताल क्षेत्र कमला भंडार के पास बुलाकर उस पर बके से सर पर हमला कर दिया, जिससे मौके पर पत्रकार अखिलेश सोनी बेहोश हो गए। पुलिस ने तुरंत उन्हें मिडास हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। क्या हुआ था आपके साथ? कुछ नहीं, कल एसडीएम कोर्ट में पेशी थी। इन लोगों के परिवार के द्वारा मेरे फ्लैट पर कब्जा किया गया है, तो बेदखली की कार्रवाई होनी है, उसमें गवाही होनी है। तो उसके चलते कल इनके वकील ने उधर आपत्ति ली थी कि हमें समय दिया जाए। एसडीएम साहब ने कहा कि हम 90 दिन का आपको समय दे चुके हैं, इससे ज़्यादा का समय नहीं देंगे, आप गवाही करवाओ। तो इनने मेरे ऊपर हमला इसलिए किया जिससे जो मेरे पक्ष में गवाही देने वाले हैं वो डर जाएं और गवाही ना दें।